हम सभी के जीवन में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो है समय, अर्थात काल। वही काल जिसका विराट रूप है स्वयं महाकाल। महाकाल की नगरी उज्जैन के महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने आक्रमणकारी शकों को भारतवर्ष से न केवल खदेड़ा अपितु हिंदू साम्राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने धर्म संस्कृति की कीर्ति पताका फहराई। शकों पर विजय के उपलक्ष में चक्रवर्ती सम्राट ने एक कैलेंडर जारी किया, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसी विक्रम संवत को हिंदू पंचांग का आधार माना गया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र सभी की स्थिति, दूरी और गति का वर्णन किया गया है। स्थिति, दूरी और गति के मान से ही पृथ्वी पर होने वाले दिन रात और अन्य संधिकाल को विभाजित कर एक पूर्ण वैज्ञानिक पंचांग बनाया गया है। इस बात से यह स्पष्ट है कि तब भारत विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के शिखर पर था। विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नव वर्ष आरंभ होता है और इसी दिन से आरंभ होती है चैत्र शुक्ल की नवरात्रि। चैत्र मासे जगत ब्रह्मा समग्रे प्रथमेनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदय सति। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मानव सभ्यता का अभ्युदय हुआ था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। महर्षि दयानंद ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। संत झूलेलाल का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म भी इसी शुभ घड़ी में हुआ था। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तब आती है जब प्रकृति नई अंगड़ाई लेती है। प्रत्येक पेड़ की लताएं फूलों से लदी होती हैं। बसंत ऋतु से आह्लादित, फूलों से अलंकृत कर लोगों में उल्लास, उमंग तथा मादकता का संचार करती है। इसी समय फसल कटती है, नया अनाज घर में आता है, किसान खुशहाल होते हैं। नवरात्र का पर्व होने से घर घर में पूजा पाठ होता है। पूरे भारत वर्ष में नए साल के पहले दिन लोग कलश स्थापना कर 7 दिन तक सात्विक भोजन लेने का संकल्प लेते हैं और तामसिक भोजन का त्याग कर देते हैं, अर्थात सात्विक वातावरण होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आधा चैत्र महीना बीतने के बाद नव वर्ष का आरंभ क्यों होता है। इसका कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारी सनातन परंपरा और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। फाल्गुन की पूर्णिमा अर्थात होली के दूसरे दिन से चैत्र महीना लग जाता है और पहला दिन होता है कृष्ण पक्ष की प्रथमा अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। हिंदू तिथि 2 भागों में बांटी गई है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अर्थात जब घोर अंधेरे वाली रात और शुक्ल पक्ष अर्थात उजाली रात। सनातन धर्म में तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से उजाले की ओर जाने की मान्यता है। इसलिए पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन छोड़ दिए जाते हैं और जैसे ही शुक्ल पक्ष लगता है, जिसमें हर दिन चंद्रमा बढ़ता है, उजाला बढ़ता है, नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में आज भी अलग अलग नामों से यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बस इसे हमें पहचानने और जानने की आवश्यकता है। वर्ष प्रतिपदा के अनेक नाम, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश युगादि तिथि, सिंधु प्रांत चेटी चड्डो चैत्र का चंद्र, कश्मीर में नौरोज अर्थात नौ यूरोज,
इस तरह भारतीय संस्कृति और जीवन का विक्रमी संवत्सर से गहरा संबंध है। दुनिया भले ही नया साल 1 जनवरी से मनाती हो, परंतु सनातन काल गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 वर्ष का आरंभ मानती है। आप सभी को सनातन काल गणना के अनुसार 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।